दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे मराक्कर अरबिक एटलांटिस सिम्हम मूवी के 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन, जबकि मूवी रिलीज के पूरे 4 दिन आज कंप्लीट हुई है। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों मराक्कर अरबिक एटलांटिस सिम्हम या दोस्तों मराक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी एक हिस्टोरिकल इपिक वार मूवी है, जो मूवी 2 दिसंबर को रिलीज हुई है। जिस मूवी के अंदर मोहनलाल जी, मधु, प्रणब मोहनलाल, अर्जुन सरजा, मंजू वॉरियर, प्रभु जी, अशोक सेल्वन, सुनील शेट्टी, कीर्ति सुरेश, ऐसे कुल मिला के बहुत सारे कलाकार देखने को मिले हैं। मूवी पैन इंडिया रिलीज हुई है, मल्टी लैंग्वेज के साथ मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाडा पे रिलीज हुई है। हालांकि दोस्तों 5 लैंग्वेज के साथ रिलीज होने के बावजूद इस मूवी को उतना ज्यादा क्रेज, उतना ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला कलेक्शन के मामले में। बताना चाहूंगा कलेक्शन को बताने से पहले बता दो इस मूवी के बजट। तो दोस्तों इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 100 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों वही मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही अच्छा खासा रिकवर कर ली थी। मूवी के डिजिटल राइट्स को बेस के, सैटेलाइट राइट्स को बेस के, म्यूजिक राइट्स को बेस के पूरे टोटली 70 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी ने रिलीज के पहले दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 7 करोड़ रुपए। मूवी ने अपने दूसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 4 करोड़ रुपए। मूवी ने अपने तीसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। और आज संडे यानी कलेक्शन की बात की जाए चौथे दिन की, तो दोस्तों आज संडे होने के कारण इस मूवी के कलेक्शन के मामले में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलने लगा है। और आज जो कलेक्शन करने लगे पूरे 4 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया नेट कलेक्शन के हिसाब से। इसी के साथ दोस्तों मूवी के 4 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होते पूरे 19 करोड़ रुपए, जबकि 4 दिनों का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन होते पूरे 26 करोड़ रुपए। बात की जाए ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने अपने इन 4 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन की है पूरे 6 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहाँ पे मूवी ने 4 दिनों में टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन किया है पूरे 26 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने 4 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 6 करोड़ रुपए। यानी मराक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी इस मूवी ने अपने इन 4 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया है पूरे 32 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है मराक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी मूवी के 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन, जो कि हो चुकी है पूरे 32 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर आपने इस मूवी को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मूवी कैसी बनी है, 10 में से कितने नंबर दोगे, कितना स्टार दोगे, कितने रेटिंग करोगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय दोस्तों।